हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। कल MBPSC मेंस के पेपर थर्ड का पेपर तीन का पेपर है और इसके लिए सब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गणित के लिए आ रहा है। देखिए, गणित में सवाल तो आप कर लेंगे, कुछ कुछ थ्योरी वाइज प्रश्न हैं तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। ये जो मेरा पेपर तीन की जो मेरी बुकलेट है, मेरा जो मेंस का पैकेज है, उसमें पेपर तीन के लिए आपको गणित की एक बुकलेट मिलती है। इसमें आपको 87 पेज मिलते हैं। ये 87 पेज अगर आप कर लेते हैं तो थ्योरी की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अभी मैं यूनिट 5 आपको करा रही हूँ। थोड़ी देर में आपको मैं और वीडियोस लेके आऊँगी, और अगर मैं वीडियो ज़्यादा नहीं ला पाई तो आप मेरे को व्हाट्सएप में स्टेटस और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूँगी, तो वो आप ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसे भूलिएगा मत। मैं क्वेश्चन क्वेश्चन बताऊंगी क्योंकि उत्तर बताना मुश्किल नहीं है। देखिए, ये हमारा यूनिट 5 का पेपर 3 का सिलेबस है, संख्याएं, प्रकार, इकाई, मापन की विधियां, समीकरण एवं गुरुवर। देखो, संख्या एवं प्रकार और मापन की विधियां, ये दो, और लास्ट में अगर हम देखें तो विचरणशीलता की माप, प्रादर्श के प्रकार और माध्यिका और बहुलक और प्रायिकता, ये वाले जो पोर्शन है ना सांख्यिकी का, ये थ्योरी वाइज बनेगा। और उसके कैसे आंसर आपको लिखना है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले देखो, संख्याओं को समझाकर उसके प्रकार लिखो। ये संख्याएं हैं और फिर उनके प्रकार लिख दिया, प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक और अवास्तविक। इस प्रकार 12 जो है संख्याओं के प्रकार हैं। ये प्रकार भी आप अच्छे से कर लें। क्या वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या में कोई अंतर है? संख्या प्रणाली किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णांक प्रणाली, दशमलव पद्धति, सरलीकरण किसे कहते हैं? शांत दशमलव, अशांत दशमलव, घातांक, अंक। इस प्रकार से मैथ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेंस के बाद आपको प्रीलिम्स की तैयारी भी करना रहेगा तो आप हमारा प्रीलिम्स का पैकेज ले सकते हैं। विद टेस्ट सीरीज़ 12 बुकलेट रहेंगी और साथ में एक टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेगी, हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध रहेगी, सॉफ्ट कॉपी में, जिसमें 5000 MCQ हैं, तो आप ले सकते हैं। ये सवाल है, सवाल तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ही लिया होगा, तो सवाल बताने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको केवल थ्योरी बता रही हूँ जो थ्योरी पूछी जा सकती है, क्योंकि थ्योरी में आप लोगों को, हाँ देखो, समीकरण से कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, समीकरण किसे कहते हैं, है ना, सर्वसमिका क्या है, सर्वसमिका मतलब आइडेंटिटी, रैखिक समीकरण क्या है, समीकरण का मूल क्या है, ये सभी आप क्वेश्चन में, द्विघात समीकरण क्या है, तो ये आप इस प्रकार से कर सकते हैं, युगपत समीकरण क्या है, समगुणनखंड क्या है, तो इस प्रकार लाभ हानि के जो पूरे सूत्र मैंने एक जगह पे लिख दिए हैं, और जिससे आपको एक जगह पे पूरे सूत्र लिख के, अब ये फिर लाभ हानि के सवाल है। इसमें लाभ हानि में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य की परिभाषा नॉर्मली पूछ सकते हैं। तो प्रतिशतता के कौन कौन से क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ सकते हैं, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि क्या होती है और प्रतिशत में कमी क्या होती है, ये पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद ये सभी सवाल हैं, मैंने सवाल के भी बहुत सारे आंसर्स दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को। अगर आपने ये बुकलेट ली होगी तो आप लोगों को मिल गए होंगे। बाकी आपके साथ मेरे मेंस के पैकेज के साथ एक ग्रुप भी दिया जाता है, 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप दिए जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, उसमें भी मैं आपको बताती रहती हूँ। अनुपात और समानुपात का एक क्वेश्चन बन सकता है। अनुपात सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं और इनका कोई मात्रक नहीं होता। ये 3 नंबर में अनुपात आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद ये प्रायिकता, ये क्वेश्चन आप, प्रायिकता क्या है, उसके प्रायिकता के उद्देश्य, ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा। प्रायिकता को क्या बोलते हैं? तो गणित की वह शाखा जिसमें संभावना और निश्चितता, अनिश्चितता की माप संख्या, ये 5 नंबर में आ सकता है। प्रायिकता और प्रायिकता के उद्देश्य, फिर प्रायिकता के उपयोग पूछे जा सकते हैं। घटना क्या होती है, घटना के प्रकार, घटना के जितने भी प्रकार हैं वो फिर कर, यादृच्छिक प्रयोग, प्रतिबंध प्रायिक, सप्रतिबंध प्रायिकता, स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है, प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, फिर ये इससे संबंधित पूरे सवाल आ जाते हैं। इसके बाद इसकी फिर पूरे सवाल आ जाते हैं प्रायिकता। फिर ये केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी की वर्तमान में उपयोगिता क्या है, सांख्यिकी के आंकड़े क्या है, सांख्यिकी के क्या होता है, गणना और माध्यों का विज्ञान होता है, घटनाओं की व्याख्या, वितरण और तुलना करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, संख्यात्मक तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण करता है। फिर सांख्यिकी के आंकड़े, आंकड़ों के प्रकार, मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़े क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आंकड़े वाला। इसके बाद आंकड़ों का आलेखीय निरूपण क्या होता है, दंड आलेख क्या होता है, आयत चित्र क्या होते हैं, पाई चित्र क्या होता है, बारंबारता बहुलक, संचयी बारंबारता परिसर, ये आपके 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। वर्गीकृत आंकड़े, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयोगिता, माध्य क्या है, माध्य के उद्देश्य, आदर्श माध्य के लक्षण, समांतर माध्य के गुण और दोष, किस तरीके से लिखना है। हैंड रिटन लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको टू द पॉइंट
कम शब्दों में, कम पेजेस में आपको जहाँ पे जितना लिखना हो वो आपको एक जगह पे मिल जाए। समांतर माध्य की उपयोगिता, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, माध्यिका, माध्यिका के गुण और दोष, माध्यिका के उपयोग, संचयी वारंवरता, 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 बंटन, बहुलक को समझाकर उसकी विशेषता, उपयोगिता, बहुलक ज्ञात और निर्धारण की विधियाँ। क्योंकि हर यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाना है तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अपकिरण या विक्षेपण या प्रसरण, माध्य विचलन की विशेषताएँ, फिर ये इसके सवाल आ जाते हैं पूरे माध्यिकाओं के, फिर ये माध्यिका के पूरे सवाल आ जाते हैं। अब है विचरणशीलता की माप, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रसरण किसे कहते हैं, प्रसरण विश्लेषण की विशेषताएं, प्रश्न विश्लेषण के उपयोग, प्रसरण विश्लेषण विधि, ये पूरा आ जाएगा। ये मेरे एमपीपीएससी की जिस टेस्ट सीरीज़ की बात कर रही थी, ये वो रामबाई टेस्ट सीरीज़ है 5000 प्रश्नों की। फ्रेंड्स, आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको यूनिट 1-3 और यूनिट 7 का भी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं अभी उसका दूसरा वीडियो भी बना दूंगी। प्रादर्श के प्रकार में यादक चर क्या है, परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि को समझाओ। प्रादर्श के प्रकार, ये प्रादर्श के प्रकार जरूर ही आएगा। संगणना प्रणाली के गुण और दोष, निर्देशन विधि का महत्व, निर्देशन प्रणाली के गुण, निर्देशन के उद्देश्य, दैव निर्देशन पद्धति, कार्य प्रणाली, तो ये दैव निर्देशक पद्धति के लाभ, दैव निर्देशक पद्धति के दोष, बहुस्तरीय निर्देशन, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी वाइज पूरे प्रश्न हैं, इन्हीं प्रश्नों को आपको अच्छे से एक बार कर लेना है, क्योंकि ये थ्योरी वाइज प्रश्न बनना ही बनना है। और जिसमें प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, वो समस्या अगर मेरे द्वारा हल हो सकेगी तो मैं ज़रूर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब किए, ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी देने वाली हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।